जय बजरंग बली, कैसे हो आप लोग? नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को पता चल गया है और कुछ लोगों को नहीं पता चला है। तो चलिए चलते हैं, आपको एक जगह है घुमाने ले चलते हैं, और मैं भी घूमने जा रही हूँ, किसी का दर्शन करने जा रही हूँ भगवान जी का, और मेरे शहर से सटा हुआ ही शहर है वो, तो चलिए। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और टैक्सी हम लोगों को मिल गई थी, तो 2 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि हमारे घर से वो 60-70 किलोमीटर दूर है जगह। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और ये मतलब मन में एक इच्छा भी थी, 2-3 साल से हम लोग वहाँ गए भी नहीं थे, काफ़ी दिन हो गया था। तो हस्बैंड मेरे बोले चलो चलते हैं, घूम आते हैं, दर्शन करवाते हैं भगवान के, और अच्छा हो रहा है सब कुछ ज़िंदगी में, तो उनका तो धन्यवाद करना बनता है। पहले से तो बहुत अच्छा है, और आप लोगों का साथ सपोर्ट रहेगा तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। और ये बिट्टू बैठी है, मैं बैठी हुई हूँ, इनके पापा बैठे हैं, बाबू बैठा है, बहुत से लोग हैं उसमें जो मतलब वहीं पे जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा आज ठंडक पड़ रही है, क्या बताएं। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँचे हैं, सरजू नदी के किनारे अयोध्या। हाँ, हम लोग आज अयोध्या आए हैं घूमने के लिए, और बजरंग बली के दर्शन करने के लिए, राम जी का दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को वहाँ भी ले चलेंगे, घुमाएंगे, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप आप लोग मत करना, इसीलिए मैंने एडिटिंग फास्ट मोड पे की है, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देख लो और इन्जॉय करो। और ये सिप तैयार है, बच्चे बोले चलो मम्मी जो है चलते हैं सिप में जो है और नदी में। और देखो हम लोग गए भी हैं, इतना मैं डर रही थी, मेरे आंखों से तो भर 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 आंसू निकल रहा था, ना भी बट्टू डर रही थी, ना बाबू डर रहा था, ना हस्बैंड डर रहे थे, सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे, मैं तो एक जगह शांत ऐसे बैठी थी डर के मारे। और ये देखिए पानी की लहरें कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम मन खुश हो गया था। और बच्चे तो मेरे इतने खुश थे कि हम लोग क्या बताएं। और ये सेफ्टी मतलब सूट है, इसको बांधना पड़ता है, बाय द वे कोई रिस्क मतलब कुछ हो नाव में दिक्कत परेशानी, तो ये हमारी सेफ्टी करता है, सेफ रखता है हमको, तो इसको ज़रूर बांध लेना चाहिए सीट बेल्ट को। तो और बाबू पानी में खूब मस्ती कर रहा था। और ये देखिए बीच में जो है नदी सूखी हुई है, और ये पुल के नीचे हम लोग अब जा रहे हैं। बिट्टू तो बिट्टू इतना खुश थी कि मैं बताऊं क्या। और ये देखिए नाव में जो है टेडी बियर रखा हुआ है जो है शूट करने के लिए, मतलब अच्छी अच्छी पोज में यहाँ पे फोटो। और इतनी अच्छी प्यारी नाव सजी थी ना, मन एकदम खुश हो गया था मेरा देख देख के। और ये देखिए पानी की लहरें कैसे हो रही, सब मतलब वीडियो शूट करने में मस्त हैं। और ये नदी का किनारा है, अभी बिल्कुल सुबह सुबह है तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, दोपहर में बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो जाती है, और ठंडक का भी मौसम है। और हम लोग पहुँच गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के पास, तो अब लोग वहाँ हम लोग जा रहे हैं, और आप लोग भी चलिए हमारे साथ और दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। और पहले हम लोग जो है प्रसाद खरीदेंगे, फिर जो है जाएंगे मंदिर में, तो पहले प्रसाद ले लेते हैं फिर मंदिर में चलते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने चप्पल वगैरह सब निकाल के रख दिए थे, तो सब लोगों ने प्रसाद ले लिए हैं चढ़ाने के लिए, और हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में। और ये देखिए कैमरे पे हल्का सा पानी लग गया था ना फूल का, तो हल्का सा जो है उदित हो गया था। और बिट्टू को मतलब इनके पापा बोले कि कहीं भी बिट्टू का हाथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कभी कभी बच्चे भी गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी वहाँ जाए तो वहाँ पे बहुत सतर्क रहना चाहिए। और देखिए मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और आप लोग दर्शन कर लीजिए बजरंग बली के। जय बजरंग बली, सबकी मुरादें पूरी करें। और देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, और सब लोग अपना अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और ये हम लोग चढ़ा चुके, सब लोग खड़े हैं, ठंडक के मारे सबकी हालत ख़राब है, और किसी ने अभी कुछ खाया पिया नहीं था। और दिन के जो है 10:30 तो बज ही गए थे मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, लेकिन 10:30 बज गए थे। और ये देखिए हनुमान जी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। और
सब लोग दर्शन कर लिए थे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब यहाँ से हम लोग परिक्रमा करने लगे हैं हनुमान जी का। तो चारों ओर घूम के परिक्रमा किया जाता है, 5 फेरा लगाओ, 7 फेरा लगाओ, जितना मतलब आपकी इच्छा होए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम लोगों ने 5 फेरा लगाया था, क्योंकि जो है मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो ये ज़रूर करती हूँ, और यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बार बार दर्शन करें, बार बार दर्शन करें, और इतने सुकून मिल रहा था बजरंगबली को देख के ना, क्योंकि ये हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। और कोई भी परेशानी दिक्कत हो, अगर आपको रात में डर लगता है तो आप बजरंगबली का नाम लो ना, सब कुछ दूर कर देते हैं ये। और ये देखिए यहाँ पे काली माता का मंदिर था, और अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान गढ़ी से नीचे, मंदिर के नीचे। और कुल 77 सीढ़ी हैं यहाँ पे मंदिर में, जिसको नहीं पता वो लोग जान लें, 77 सीढ़ी हैं यहाँ पे। सब मतलब मैंने गिना है, और बहुत अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि हम लोग एकदम सुबह सुबह पहुंच गए थे ना, तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम लोग जाने लगे तो खूब तेज़ी से भीड़ बढ़ने लगा। तो इनके पापा बोले कि चलो सुबह सुबह आने का यही फ़ायदा होता है कि जल्दी से जो है दर्शन मिल जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल की दुकानें लगी हैं, मिठाई की दुकानें लगी हैं, और ये माहौल वातावरण इतना अच्छा लग रहा था, इतना खुश मतलब हम लोग थे। अब मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं और मेरे बच्चे हस्बैंड कितना खुश हैं। और ये आप लोगों की दुआओं का असर है। और ये देखिए दशरथ जी का महल है, और अब हम लोग जा रहे हैं राम जन्मभूमि। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ ही नहीं था, ये रास्ते का सब सीन है। थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था कि आप लोग भी देख लेंगे और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, तो इसलिए मैंने दिखाया है। और प्लीज़ वीडियो लाइक लगेगी तो अच्छी लगेगी, तो लाइक करिएगा, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हम लोग वहाँ से आते वक्त हम लोगों ने ये शूट किया है, राम जन्मभूमि के जस्ट बाहर हम लोग खड़े हैं, और राम जन्मभूमि के अंदर जो है मोबाइल लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कुछ भी आप लोग नहीं ले जा सकते हो, ना सेलफोन, पर्स वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते, पानी की बोतल तक नहीं ले जा सकते हो। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं, ये देखिए महाराजा दशरथ का महल है ये, और इसमें हम लोग आए थे, यहाँ भी भजन कीर्तन सब कुछ चल रहा था। तो बिट्टू बोली मम्मी बहुत बड़ा है, चलो अंदर से देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और अंदर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप लोग भी कभी यहाँ पे आइएगा, देखिएगा कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और एकदम दिल खुश हो जा रहा था यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा था ये, काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये महल है चारों तरफ से, और ये देखिए अंदर को हम लोग जाते हुए, और बाबू हैं, मैं हूँ, बिट्टू हैं, मैं तो सबसे पीछे ही रह जाती हूँ। और महल इतना अंदर से मतलब खूबसूरत है, सभी लोग यहाँ पे विराजमान हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे राम की पैड़ी, तो ये राम की पैड़ी है, और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। और सड़क उस पार नदी है, और इस पार जो है राम की पैड़ी है, और बीच में रोड है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये नागेश्वर नाथ मंदिर है, हम लोग जा रहे हैं नागेश्वर नाथ मंदिर में, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। दूर से ही शूट करेंगे इनके पापा, क्योंकि कहीं पे भी मंदिर मंदिर में जो है फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, ये है जो नीला रंग का दिख रहा है, ये है नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या का। और अभी हम लोग अयोध्या में ही हैं, घूम रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो इनके पापा बाहर के ही खड़े थे, वो बाद में गए थे, हम लोग पहले चले गए थे, तो मैंने कहा बाहर से थोड़ा सा शूट कर लेना, तो वो शूट किए हैं, इन्होंने शूट किया है। तो बस अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, और जो मतलब चढ़ावा चढ़ाने के लिए मैंने लिया था वो लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे इतनी फिसलन थी, इतना ज़्यादा पानी, यहाँ पे मतलब जल चढ़ाया जाता है ना, पूरा एकदम डर लगता है वहाँ पे जाते हुए। बस उतना ही शूट हुआ, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये राम की पैड़ी पे हम लोग घूम रहे हैं, और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुकानें लगी थी ना, क्या बताएं। और बिट्टू को रास्ते में मिल गया पिल्ला,
नदी के किनारे और उसको खिलाने में ये जुटी है। और इनको तो पिल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है हमारी बिटिया रानी को। बोली मम्मी चलो इसको घर ले चलते। मैंने कहा ये अपनी मम्मी का दूध पीता होगा, अभी घर ले जाओगी तो ये रोएगा नहीं। उसी को पिल्ले को बेचारी परेशान थी, पिल्ले के नीचे मम्मी पिल्ला मम्मी पिल्ला मम्मी पिल्ला। तो किशन से बोली किशन मुझे पानी छूना है एक बार नदी का फिर से किनारे से। तुम कह जाओ छुआ लो, नहीं तो हील वाला ये चप्पल पहनी है गिरेगी पानी में भड़ाक से। और खूब ज़्यादा नाव यहाँ पे खड़ी है और इतना खूबसूरत लगता है, मनोहर लगता है ये दृश्य। और उसके बाद हम लोग जो है लइया चना खाने लगे। खाना हम लोगों ने खा लिया था, बाबू और बिट्टू ने जो है छोला भटूरा खाया था, मैंने लिट्टी चोखा खाया था क्योंकि खाना हम लोग खा के नहीं आए थे। और ये हम लोग लइया चना खा रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया, करीब जो है 4 बजने वाला है। तो हम लोगों ने लइया चना खाया है और अभी चाय भी इनके पापा पिलाएंगे, तो उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि अब लोग हम लोग एकदम थक गए हैं और थकान हो रही है सबको और ठंडक भी बहुत ज़्यादा है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर को। हम लोग पहुंच गए हैं बस्ती और रेलवे स्टेशन के तरफ जा रहे हैं। वहीं पे मेरा घर पड़ता है रेलवे स्टेशन के पास। और ये देखिए बस्ती का रेलवे स्टेशन, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे और अब हम लोग जा रहे हैं घर। देख लीजिए बस्ती का रेलवे स्टेशन है ये, और यहाँ पे जो वाली सीढ़ी है लगी है तो बंद है, तो हम लोग ऐसे ही सीढ़ी से मतलब जा रहे थे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो भी शूट कर पाई मैंने शूट किया, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। और ये है बस्ती का रेलवे स्टेशन का ब्रिज। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।